तो फ्रेंड, आज के कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था क्या मिनोक्सिडिल से बियर्ड ग्रो किया जा सकता है, क्या आप अपनी दाढ़ी और मूछ उगा सकते हो मिनोक्सिडिल से। तो वहां पर मैंने आप लोगों को कई सारे रीज़न बताए थे मिनोक्सिडिल के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि भैया मिनोक्सिडिल अगर आप अपने चेहरे पर यूज करते हो तो आपकी त्वचा में लालपन आना शुरू हो जाता है और काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप में से कई सारे लोग बियर्ड के अगर शौकीन हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल नेचुरल तरीका बताने वाला हूँ कैसे आप अपने बियर्ड को ग्रो कर सकते हो और आप ये चीज बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ मार्स बाय GHC की तरफ से आने वाले ग्रो मैक्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, आप ये देख सकते हो ग्रो मैक्स बियर्ड ग्रोथ ऑयल, तो काफ़ी बेस्ट है। अगर आप इसे यूज करते हो तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर मिनोक्सिडिल आप यूज करते हो तो आपको कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। खासकर आपके बियर्ड को ग्रो करने के लिए ही बनाया गया है ये ऑयल। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने मेंशन कर रखी है, ओनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, जोजोबा ऑयल। तो इन सब का काम आपको अच्छे से पता होगा कि ओनियन ऑयल के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि आपके बियर्ड को आपके दाढ़ी की मोटाई बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके बियर्ड ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो और भृंगराज ऑयल का काम क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छे से होगा तो आपकी बियर्ड ग्रोथ को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। और ब्राह्मी ऑयल का काम क्या होता है कि आपकी स्किन को, आपके बियर्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और जोजोबा ऑयल का काम क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसमें विटामिन ए और विटामिन ई होता है जो आपके हेयर ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। और भी कई सारे जड़ी बूटियों से इसे बनाया गया है, जैसे कि जटामासी, कोकोनट ऑयल, नीम, मेथी, विटामिन ई, तो काफ़ी सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है इस बियर्ड ग्रोथ ऑयल को बनाने के लिए। चलिए मैं आपको इसके पैकेजिंग को खोल के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से पैकेजिंग के साथ आता है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं ये मार्स का जो प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट के बारे में अभी आप देख रहे हो कि मेरे चैनल पे मार्स के बारे में काफ़ी सारी वीडियो आ रही हैं। तो ये मार्स कंपनी का जो हर एक मैंने मिनोक्सिडिल के बारे में आपको बताया और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के द्वारा बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये अपना प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार करते हैं ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो इसके लिए मैंने ये बियर्ड ग्रोथ ऑयल के बारे में आप लोगों को बताना चाहा कि अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको बिल्कुल इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप वहां से इसे बाय कर सकते हो। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को हमेशा से यही कहते आया हूं कि भाई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का अगर आप यूज करते हो तो अगर आपको फायदा नहीं होता तो आपको नुकसान भी नहीं होता है। कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आप अपने बियर्ड ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हो और आपको कुछ साइड इफेक्ट होगा, आपकी स्किन को डैमेज कर देगा, आपके चेहरे को खराब कर देगा, आपको सोच समझ के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको यूज कैसे करना है, देखिए मॉर्निंग और इवनिंग में आप इसे दोनों टाइम यूज कर सकते हो। जहाँ जहाँ पर आपको बियर्ड नहीं आती है या पर जहाँ जहाँ पर आपके बाल बिल्कुल पतले पतले आपको रोए टाइप में दिखाई दे रहे होंगे, वो आपके बाल ग्रो नहीं हो पाते, मोटाई नहीं बढ़ पाती, तो वहाँ वहाँ पर आपको अच्छे से आपको मसाज करना है। 2-4-5 मिनट के लिए आपको अच्छे से मसाज करना है। आप रात को अगर इसे यूज करते हो तो आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में आप धो लीजिए। ये सादे पानी से भी आप इसे धो सकते हो या फिर आप जो शैम्पू का इस्तेमाल करते रहोगे आप वो शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लगातार 2 से 3 महीने तक यूज करना है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा और काफी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड, मार्स के प्रोडक्ट का बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो चीजें इस्तेमाल करो आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।